तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्राची एंड आज यार मैंने सोचा मैं ब्लॉग करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग हियर फॉर फर्स्ट टाइम। तो यार मैं मिस नहीं करना चाहती मेमोरीज जो मैं सारी प्रेप्स कर रही हूँ, सारा सब कुछ यू नो, हम इतना एक्साइटेड हैं उनके लिए। फर्स्ट टाइम हमारे पेरेंट्स हमें विजिट करेंगे तो उसके लिए मैं इतना तैयार हुई हूँ। और कल और स्पेशल दिन है, कल वट सावित्री है तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ। लेट मी शो यू मैंने क्या क्या बनाया है आज खाने में। घर साफ कर दिया है पूरा का पूरा। मैंने बनाया है पनीर, मसाला पनीर है ये, पत्ता गोभी का सब्जी, फिर मैंने बनाई है खीर एंड अपने लिए मैंने बनाया है क्योंकि आज मुझे ये खाना, तो मैंने बनाया ये, इसमें दाल है एंड दैट्स इट। दो फ्रेम्स ऐसे ही चलते चलते ले ली थी यार एंड उन्हें फ्रेम करवा दिया। और बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, इतना सुंदर हो रहा है, मतलब मैं तो हम यही चाहते थे यार कि ऐसा मौसम हो जाए प्यारा सा। क्योंकि वो इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं तो बहुत थक गए होंगे, तो आई होप वेदर थोड़ा सा कम कर पाए। दुपट्टा तो ले लिया है, पहले मैं ये वाली बैंगल्स पहन रही थी आज की, मुझे बहुत अच्छी लग रही है बट पता नहीं क्यों मैं सोच रही ये पहन लेती हूँ। सीजन में कौन सा चल रहा है यार, डिफरेंट टाइप का मुझे अच्छा लगता है। देखो गाइस मैंने बेडरूम वो कितना सुंदर सा डेकोरेट कर दिया है। अभी अभी पता चला है दोस्तों के रिसीव कर लिया है। मैं भी जाने वाली थी यार स्टेशन, मेरा बहुत मन था जाने के लिए बट क्या करूँ, काम था, घर पे खाना वाना बनाना था तो मैं नहीं गई हूँ। आप लोग को ये बैकड्रॉप कैसा लग रहा है? मुझे जा रही हूँ, हैप्पी हैप्पी। अभी नहीं पहुँचे, फॉल्स न्यूज़ नहीं है अभी तक। चाय बना रही थी यार मैं, अच्छा बोला बन भी जाती है अभी तक चाय, कोई बात नहीं, मैं अपने इस सूट को इंजॉय कर रही हूँ। हाँ मैं एक अपडेट देना तो भूल गई, मुझे कल वट सावित्री है तो मुझे लगवानी थी मेहंदी। अब हमारी ना एक सोसाइटी है यहाँ पे, वहाँ बहुत सारे मतलब सब, ये अच्छी बात है कि सारी जो लेडीज़ लोग हैं वो अपना अपना कुछ कुछ बिजनेस करती हैं, तो उनमें से एक मुझे भाई थैंक गॉड मुझे बड़ी खोजने के बाद में एक मिली है एंड वो लगाती है मेहंदी। सो मैं अब उनसे बात करूँगी, मैंने कर ली उनसे बात एंड 10-11 बजे मुझे जाना है तो मेहंदी लगेगी। मैं बार बार देख रही हूँ इसलिए तो नहीं कि मैं बार बार देख रही हूँ इसलिए नहीं आ रहा, अब मैं देखूंगी नहीं। यार ब्लॉगिंग बड़ा ऑकवर्ड है, सब देख रहे हैं मुझे। कोई मुझसे पूछेगा कितने सब्सक्राइबर है, कहेंगे 4। कोई गाड़ी एंटर की है, हमारा मेरा छोटू सा देवर आ गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या चीज का एक्साइटमेंट है? क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट नेट का। बैट तो दिखा दो अपना। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा एक पागलवार क्रिकेट प्रेमी भाई, अच्छा क्रिकेट प्रेमी बोल देता हूँ, ठीक है। बैट और बॉल, बंदर को क्रिकेट खेलने बॉल बॉल बैट बॉल का पूरा बैट बॉल है ये। ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले मुझे बोला क्रिकेट खेलने चलोगे ना, क्रिकेट खेलने चलोगे ना। और मैं ब्रेक ऐसा बॉल ही करता हूँ और रोहित शर्मा ऐसा बैट पे और सानिया नेहवाल को
हरा चुका हूँ और ऐसे लाइन लगा हुआ है एकदम बाहर, अभी तक खोलिए खोलिए कर रहे हैं सर, अभी नहाएंगे खाएंगे फिर सर, नहीं सर, ट्रेन से आए हैं, बोल रहे नहीं नहाना चाहते, अभी इतने लोग आ रहे हो, खोलेंगे सब हो जाएगा, बंद कर दो। तो अब मुझे टाइम मिल पाया है मेहंदी लगाने के लिए, तो जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। गौरी जी बना लिए हमने, उसकी क्लिप आपने अभी देखी होगी, तो फिंगर्स क्रॉस की अच्छी सुंदर सी मेहंदी बन जाए। और लग रहा है बिल्कुल कि रात की 11 बज गई है इस टाइम, तो हम लोग रोज वॉक करने जाते ही हैं, बस एक्साइटेड। मेहंदी का बड़ा अच्छा लगता है, जब मेहंदी लगती है तो बहुत मज़ा आता है, खुशियाँ मन में रहती हैं। आई होप वो बस अभी फ्री हो। चलो थोड़ी देर में दिखाती हूँ मेहंदी कैसे लगेगी। घर में पहुँची और वहाँ फोन ही नहीं थे, अब फिर मैंने फोन लिया है, अब फाइनली मेहंदी रात 10 बजे 10:25 हो गई है रात की, अब जाके फोन मिले। अब अगर अच्छी उसने मेहंदी नहीं लगाई ना, उसके पास जाना है, पता है कौन सा गाना गाने लग जाना। हेलो गाइस, तो बनवा लिए मैंने फाइनली मेहंदी, एक मिनट को मैं दिखा देती हूँ, देखो कितना सुंदर डिजाइन है। और जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी वही है, अब नाम भूल के बताना सुबह, ठीक है, मैंने नाम पे लिखवा रहा है पति देव का, अब नहीं बताऊंगी, मुझे भी नहीं पता। कम से कम माता सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से ही युवराज से अपने पति सत्यवान के ग्राम में कुछ पाया था। वह वृक्ष के भाइयों और अमेरिका का पति पूछा, हे भैया क्या पृथ्वी पर द्रौपदी के अलावा भी कई पति रतन सिंह है जो राजकुल में जन्म लेने के बाद भी वन में भटक रही हो? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम 100 किलो की गाड़ी में 200-210 किलो लगा के जा रहे हैं। सही है यार, आइसक्रीम खाने, रात की 11 बजे 12 बजे का मिल जाए बस। मैं क्या था, ठंडा लग रहा है, दिखाओ मुझे, पिछलाओ सबसे अच्छा तो मेरा। बस यार फिर कुछ बहुत ही अच्छे से दिन बिताने के बाद मम्मी पापा को कुछ काम होने की वजह से जाना पड़ा। ये 10 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब समझ आता है क्यों सब कहते थे जब घर में बड़े लोग होते हैं तो घर की वाइब भी अलग होती है, घर भरा भरा सा लगता है, लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो गई है, हम फिर से बच्चों की तरह रह पाते हैं। विल मिस यू मम्मी पापा, कम बैक सून, बाय। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती।